दिल्ली से सटे गुरुग्राम की इसी सड़क पर 15 सितंबर को सुबह 6 बजे एक दर्दनाक हादसा होता है और उसका एक फुटेज जो है वो सामने आता है। दरअसल अक्षत गर्ग नाम का एक शख्स है जो दिल्ली का रहने वाला था, जो एक राइडर था, वो अपनी बाइक से इसी सड़क पर जा रहा था, जिस दौरान जो एक रॉन्ग साइड से जो SUV सवार है उसने जोरदार अक्षत की गाड़ी में टक्कर मारी। बता दें कि जो अक्षत गर्ग था वो द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से साइबर हब की तरफ जा रहा था, जिस दौरान जो SUV कार सवार था वो रॉन्ग साइड आ रहा था और जोरदार टक्कर में जो अक्षत गर्ग था वो सड़क पर गिर गया। पीछे से जो उसका एक दोस्त आ रहा था प्रद्युमन, उसके चेस्ट पर एक कैमरा लगा हुआ था, उसमें पूरा जो घटनाक्रम है वो रिकॉर्ड होता है। प्रद्युमन उस कार चालक से बात भी करता है और उसके बाद तुरंत जो है वो पुलिस को, एम्बुलेंस को जानकारी दी जाती है और तुरंत पास में नजदीक में पुलिस बूथ है, वहां से जो पुलिस है वो मौके पे पहुंचती है। लेकिन अस्पताल ले आते वक्त जो अक्षत गर्ग है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो इस पूरे मामले में जो IPC की धाराएं लगाई गई हैं, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा लगाई गई है, उसमें आरोपी को जमानत मिल जाती है, उसे हालांकि मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जो SUV कार चालक था उसकी गाड़ी का पहले भी कई बार चालान कट चुका है, ये जानकारी भी अब निकल के सामने आ रही है। और इस घटना के बाद से जो परिवार है वो बेहद सदमे में है। आनंद तिवारी, News18 India, गुरुग्राम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की इसी सड़क पर 15 सितंबर को सुबह 6 बजे एक दर्दनाक हादसा होता है और उसका एक फुटेज जो है वो सामने आता है। दरअसल अक्षत गर्ग नाम का एक शख्स है जो दिल्ली का रहने वाला था, जो एक राइडर था, वो अपनी बाइक से इसी सड़क पर जा रहा था, जिस दौरान जो एक रॉन्ग साइड से जो SUV सवार है उसने जोरदार अक्षत की गाड़ी में टक्कर मारी। बता दें कि जो अक्षत गर्ग था वो द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से साइबर हब की तरफ जा रहा था, जिस दौरान जो SUV कार सवार था वो रॉन्ग साइड आ रहा था और जोरदार टक्कर में जो अक्षत गर्ग था वो सड़क पर गिर गया। पीछे से जो उसका एक दोस्त आ रहा था प्रद्युमन, उसके चेस्ट पर एक कैमरा लगा हुआ था, उसमें पूरा जो घटनाक्रम है वो रिकॉर्ड होता है। प्रद्युमन उस कार चालक से बात भी करता है और उसके बाद तुरंत जो है वो पुलिस को, एम्बुलेंस को जानकारी दी जाती है और तुरंत पास में नजदीक में पुलिस बूथ है, वहां से जो पुलिस है वो मौके पे पहुंचती है। लेकिन अस्पताल ले आते वक्त जो अक्षत गर्ग है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो इस पूरे मामले में जो IPC की धाराएं लगाई गई हैं, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा लगाई गई है, उसमें आरोपी को जमानत मिल जाती है, उसे हालांकि मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जो SUV कार चालक था उसकी गाड़ी का पहले भी कई बार चालान कट चुका है, ये जानकारी भी अब निकल के सामने आ रही है। और इस घटना के बाद से जो परिवार है वो बेहद सदमे में है। आनंद तिवारी, News18 India, गुरुग्राम।